तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे होटल सेक्टर के स्टॉक को लेकर कि ये स्टॉक होटल एंड रेस्टोरेंट सेक्टर का स्टॉक है। बीएससी एनएससी में लिस्टेड है। स्मॉल कैप सेक्टर की स्टॉक है और मार्केट कैप है 7495 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 94 रुपये और हाई लगा चुका है 103 का, लो है 59 रुपये का। स्टॉक पी है 65। स्टॉक पी के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है और बुक वैल्यू है 10। कंपनी डिविडेंड एल्ड प्रोवाइड नहीं करती है। आरओसी है 11%, आरओई है 13%, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। दोस्तों, जिस भी स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपये होता है उस स्टॉक के अंदर ज़्यादा चांस रहता है स्प्लिट्स मिलने का। प्रमोटर के पास 23% की होल्डिंग है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 2.55 और एनुअली प्रॉफिट 141 करोड़ है। अगर डेप्ट की बात की जाए तो 2177 करोड़ का इनके पास कर्ज है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 13%। इंडस्ट्रीज पी है 33। ईपीएस से 1.45 रुपये का। फ्री कैश फ्लो 223 करोड़ है। अगर प्लस परसेंटेज देखें तो 6.47% की होल्डिंग के लिए भी रखा गया है प्रमोटर की तरफ से। अगर हम लोग बात करें प्रॉस की, प्रॉस में देखेंगे कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी अच्छा रिजल्ट ला करके देगा। सेकेंड लाइन, कंपनी हैड डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 51.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो अपने लास्ट 5 ईयर में 51% का गुड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दे रही है। अगर हम लोग बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की तो मार्च वाले क्वार्टर में देख सकते हैं 140 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। दिसंबर में 126 करोड़ का है, सितंबर में 86 करोड़ का है और जून में 88 करोड़ का है। तो कंपनी क्वार्टरली क्वार्टर वाइज बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके दिखला रही है। अगर नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को मार्च वाले क्वार्टर में। दिसंबर में 49 हुआ है, सितंबर में 19 हुआ है और जून में 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। इससे पहले कंपनी नेट प्रॉफिट के मामले में लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, ये देख सकते हैं ऑपरेटिंग क्वार्टर वाइज। अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेस पे चेकआउट करें तो 2023 में देखेंगे 448 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी के पास। 2022 में 119, 2021 में 57, 2020 में 241। तो कोरोना की वजह से ये 2021 वाला क्वार्टर का जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा। उसके बाद हर साल अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ देखेंगे, इंक्रीज होता हुआ दिखेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। तो जो वैसे स्टॉक थे जो पेनी स्मॉल कैप स्टॉक थे उनकी कमर टूट गई थी कोरोना के टाइम और जिस वजह से वो संभल नहीं पाए, अभी भी लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। और लार्ज कैप स्टॉक जब सब डाउन ले ली थी तो फिर स्मॉल कैप स्टॉक का क्या ही हाल हुआ होगा। ठीक है, 2023 में 141 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है कंपनी को 2023 में। 2022 में 137 करोड़ का लॉस, 2021 में 187 करोड़ का लॉस, 2020 में 13 करोड़ का लॉस हुआ था कंपनी को। क्योंकि ये होटल सेक्टर का ऐसा स्टॉक है कि अगर सारी चीज़ें बंद हो जाएँ तो फिर यहाँ कुछ मतलब है नहीं, तो लोग आएंगे नहीं तो होटल के अंदर प्रॉफिट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग बात करें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की तो 5 साल में 13%, 3 साल में 9%, टीडीएम में 118% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी के पास। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 52%, 3 साल में 441%, टीडीएम में 231% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो 5 साल में 5%, 3 साल में 55% और 1 साल में 51% स्टॉक प्राइस सीजीआर है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 5 साल में -1%, 3 साल में -4%, लास्ट ईयर 14% रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी के पास। अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट की तो इनके पास रिजर्व की हम लोग बात करें तो रिजर्व कंपनी का मात्र 62 करोड़ का और कर्ज है 2177 करोड़ का। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न कैश फ्लो की बात करें तो 355 करोड़ का कैश फ्लो है कंपनी के पास और नेट कैश फ्लो नेगेटिव 31 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर चेकआउट करें तो 23% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 24% की होल्डिंग एफ आईज के पास, 10% की होल्डिंग डी आईज के पास और 41% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। अगर हम लोग पब्लिक के अंदर देखा जाए
इंडिविजुअल की होल्डिंग है कि नहीं है उससे पहले बता दूं, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। आप स्टॉक और एंजल वन दोनों का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं पब्लिक के अंदर इंडिविजुअल की होल्डिंग के अंदर काफ़ी अच्छा होल्डिंग है, 14.99 है यानी 15% की होल्डिंग है। APG स्ट्रेटजिकल रियल इस्टेट पूल में और 4% की होल्डिंग है आरचे क्रॉप लिमिटेड के अंदर, तो अच्छा खासा होल्डिंग है इनके पास पब्लिक के अंदर भी। तो दोस्तों फाइनेंस देखो, अभी जो कंडीशन चल रहे हैं अभी सारे सिचुएशन बढ़िया हो चुके हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे कंट्री में आना जाना बन गया है और ठीक है, ऐसा कुछ पहले जैसा नहीं रहा, तो अब कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत तगड़ा वाला चलने वाला है, बहुत अच्छा रिटर्न कंपनीज को मिलने वाला है, क्योंकि वो कोरोना काल के टाइम में एक दूसरे से छुआछूत की बीमारी थी तो उस समय होटल में कौन ठहरता है, ठीक है, इसलिए इस होटल तो सब डाउन ले लिए थे बहुत लंबे समय के लिए और सब बिजनेस तो चालू भी हो गए थे, स्लोली स्लोली चल भी रहे थे, लेकिन होटल सेक्टर की जो भी बिजनेस थे वहाँ खाना खाना वहाँ रहना वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस लग रहा था, क्योंकि पूरा बिल्कुल बुरी तरह से पीटे थे अगर तो वो होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर के स्टॉक ही थे। तो अभी फंडामेंटली कंपनी देखो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखला रही है क्वार्टर वाइज ईयरली वाइज, ठीक है, कंपनी के पास एक ही चीज़ की कमी है वो है क्या, कर्ज ज़्यादा कंपनी के, अगर परफॉर्मेंस इस तरह से बना रहा तो कंपनी के कर्ज भी ख़त्म होते समय ही लगेंगे। और इस स्टॉक का नाम है लेमन ट्री होटल लिमिटेड, और थर्ड लार्जेस्ट ओवरऑल होटल इन चाइना इन इंडिया चीन इन इंडिया, इट ऑपरेट्स ऑफ अनस्केल्ड सेगमेंट एंड द मिड प्राइस सेक्टर कंसिस्टेंस ऑफ द अपर मिडिल या मिड स्केल ऑफ द इकोनॉमिक सेगमेंट, इट डिलीवर डिफरेंटेड इट सुपीरियर सर्विस ऑफरिंग विथ ए वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। ये है इनकी वेबसाइट, इनकी वेबसाइट पर आकर के आप अपना आप इनके बिजनेस के बारे में समझ सकते हो क्या है क्या नहीं है। फॉर वेर एवर यू वॉन्ट टू गो वी आर देयर फॉर यू, ठीक है, 8,500 रूम्स हैं कंपनी के पास, 90 होटल्स हैं, 56 डेस्टिनेशन हैं, 56 जगहों पे 90 होटल्स हैं और 850 रूम हैं कंपनी के पास। ये टाइम टू टाइम ऑफर्स देते रहते हैं, तो टेक्निकल के अंदर हम लोग आ चुके हैं। देखो वो उनकी वेबसाइट थी, वेबसाइट पे जाकर ही उनके बिजनेस के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। और क्या हम देखें, हमें टेक्निकल के अंदर क्या देखने के लिए मिल रहा है, जैसे 2020 ख़त्म होता है, ठीक है, 1 मई 2020 ख़त्म हो, उसके बाद स्टॉक प्राइस देखो आस्ते आस्ते करके ऊपर भागने लगता है, हाई और हाई रेंज में पैटर्न बनाते हुए स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है। ये जो टाइम चल रहा है ये इनका रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस स्टॉक रेजिस्टेंस फेज करके स्टॉक नीचे गिरेगा, अगर नीचे गिरेगा भी तो 72-69 रुपये के प्राइस तक आ सकता है, अगर आता है तो ये हमारे लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पैसे को बहुत अच्छा मल्टीप्लाई किया इस स्टॉक ने 17 रुपये के प्राइस से, तो जो 17 रुपये के प्राइस से इस स्टॉक ने 98 रुपये के प्राइस को टच किया है,
तो हमारे पैसे को ऑलमोस्ट 500% का रिटर्न बना करके दे दिया है लोगों को। 500% का रिटर्न बनाने के बाद कहीं ना कहीं करेक्शन तो आना चाहिए, तो वही करेक्शन है रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे की तरफ गिरना चाहती है। अगर गिरती है स्टॉक तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकता है, मतलब हमारे लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है डेफिनेटली। इस स्टॉक को अगर ये स्टॉक अगर गिरता है कहाँ तक, 58 रुपये के प्राइस तक या 71 रुपये के प्राइस तक गिरता 70 रुपये, तो यहाँ सोचा जा सकता है स्टॉक को, ठीक है, स्टॉक अपने नज़रों में बनाकर ये रखा जा सकता है, क्योंकि तब एक तरह का अपॉर्चुनिटी रहेगा। और जिस तरह से क्वार्टरली नतीजे आ रहे हैं सामने, ठीक है, जिस तरह से ईयरली बेस पे कंपनी परफॉर्मेंस करके दिखलाई, अगर उस तरह से कर देती है तो फिर इस स्टॉक का प्राइस 100 रुपये का तो आप सोचना ही मत, जल्द बहुत जल्द ही 4 डिजिट में इनके नंबर आते हुए दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आपको एंट्री करना हो तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं।